यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं। अरमान मलिक ने अब तक 3 शादियां की है। सबसे पहली शादी उनकी यंग एज में हुई थी। उन्होंने पहली पत्नी को तलाक देकर पायल मलिक से शादी की और फिर पायल के रहते हुए उन्होंने कृतिका से शादी कर ली थी। अब अरमान दोनों पत्नियों के साथ ही रहते हैं। अरमान अपनी पत्नियों के साथ बिग बॉस ओटीटी में भी नजर आए थे। अब अरमान चौथी शादी को लेकर भी खबरों में है। दरअसल अरमान के बच्चों की नैनी लक्ष्य उनकी घर साथ में ही रहती है। अरमान लक्ष्य के साथ वीडियोस बनाते हैं, जिम करते हैं। हाल ही में तो लक्ष्य ने करवा चौथ पर अपनी मेहंदी में संदीप, जो कि अरमान का दूसरा नाम है, उसे लिखवाया था। इसके अलावा लक्ष्य ने करवा चौथ का व्रत भी रखा और अरमान के साथ व्रत खोलने की वीडियोस भी बनाई थी। इसके बाद अरमान की चौथी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी। इसी बीच मामले को बढ़ता देख अरमान और उनकी वाइफ पायल ने रिएक्ट किया है। अरमान ने कहा है कि लोग बोल रहे हैं कि अरमान ने 2 पत्नियों के रहते हुए तीसरी शादी कर ली। लक्ष्य के हाथ में संदीप लिखा है। लक्ष्य जिस कम्युनिटी से आती है वो सरदारों की कम्युनिटी है। वहाँ संदीप मेल और फीमेल दोनों का ही नाम हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि संदीप जो लक्ष्य ने लिखवाया है वो मेरा ही नाम हो। हो सकता है कि लक्ष्य की किसी और से सगाई हो चुकी हो या फिर किसी और का नाम संदीप हो। उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, हर चीज में मेरा नाम जोड़ना जरूरी नहीं है। वहीं पायल मलिक ने भी रिएक्शन दिया है। पायल ने कहा है कि हमें ट्रोल किया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमने 2 पत्नियों के होते हुए तीसरी के लिए हामी भर दी। हम इतने बेवकूफ नहीं है कि ये सब झेले। पायल ने कहा कि लक्ष्य से ही जवाब दिलवाऊंगी कि उसने मेहंदी में संदीप क्यों लिखवाया, व्रत क्यों रखा। अब इन सब में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, या फिर ये सब बस एक फेम कमाने का तरीका है? कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।